हेलो एवरीवन, आज हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का एक एप्लीकेशन देखेंगे कि यदि हमारे सिस्टम में मैकेनिकल इनपुट सडनली चेंज होता है तो क्या होगा। ये आपका सिस्टम है, ये क्या है, इनफाइनाइट बस बार। बी एंगल 0 डिग्री, बेंडिंग इन वोल्टेज एक्स टी डैश एक्स टी। यहाँ पावर क्या होती है हमारी, हम रिलेशन डिराइव कर चुके हैं, पीई इज इक्वल टू ई डैश वी डिवाइडेड बाय टोटल एक्स एक्स टी डैश प्लस एक्स ई मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा। ये आपका क्या होता था, पी मैक्स साइन डेल्टा। स्टडी स्टेट के केस में हम जानते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब टी डी टी ऑफ डेल्टा, चेंज इन डेल्टा इज 0 इन स्टडी स्टेट। इसका मतलब यदि मैं सेलियंट पोल का रोटर अज्यूम करती हूं, ये हमारा रोटर है, ये एक्सिस है, ये आपके एक्सेस है, ये कौन सी एक्सेस है, सिंक्रोनस एक्सेस है, ठीक, यहाँ, और ये आपका जो है रोटर की स्पीड है, रोटर इस स्पीड में रोटेट कर रहा है, और सिंक्रोनस जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये उसकी एक्सेस है, और ये आपकी यहाँ कहीं तो भी रेफरेंस एक्सेस है, दिस इज रेफरेंस एक्सेस। यहाँ रेफरेंस एक्सेस, ठीक। तो यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं कि यदि स्टडी स्टेट की कंडीशन है, ठीक है, तो रोटर का जो एंगल है वो कितना है, डेल्टा है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो कितना है, सिंक्रोनस एक्सेस से लगा के रोटर तक का जो एंगल है वो कितना है, डेल्टा है। ये एंगल आपका थीटा होता था, ठीक है, अभी हम डेल्टा की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें पावर एंगल का, पावर एंगल कर्व बनाना है। ये होता है आपका पावर एंगल का डेल्टा, दिस इज पी, पी मैक्स, यहां से क्या कहा है हमें, सडनली हमारा इनपुट जो है मैकेनिकल इनपुट वो सडनली यदि बढ़ जाता है तो क्या होगा, ठीक है, सडनली यदि इनपुट बढ़ जाता है तो मैकेनिकल पावर बढ़ेगी। मैकेनिकल पावर बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, यदि सडनली, तो यदि सडनली मैकेनिकल इनपुट बढ़ जाता है, पीएम बढ़ेगा, मैकेनिकल इनपुट बढ़ता है तो पीएम बढ़ेगा, पीएम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो रिलेशन है इसमें पीए जो है वो एक्सेलरेटिंग पावर जो है वो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, जिसके कारण क्या होगा, ओमेगा आर की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, रोटर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। पहले इस पॉइंट पे पर्टिकुलर मान लीजिए, इसको हमने ए पॉइंट बोला, पहले ए पॉइंट पे काम कर रहा था, ये आपका स्टडी स्टेट की बात है, पी एम 0 इनिशियली इस पे काम कर रहा था, रोटर यहां पर इस एंगल पे था, यह हमारा है डेल्टा 0, ठीक है। जैसे ही मैकेनिकल इनपुट बढ़ा तो रोटर एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा उसके बाद क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा तो यहां से इस तरह से आपका एंगल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ये आपका आ जाता है बी पॉइंट पे,
यहां कहीं हमने बोल दिया ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अरे सी पॉइंट है, यहां तक इस तरह से एक्सेलरेट करता रहेगा। तो ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट ए पे हो रहा है कि ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस, क्योंकि इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली क्या था, स्टेबल था, स्टेबल मतलब पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सडनली कोई इनपुट नहीं बढ़ा है, जब तक तब तक क्या है, जीरो है, इन दोनों का डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब कि ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस है, ठीक है। जैसे ही सडनली लोड बढ़ा तो क्या होगा, पॉइंट बी पे क्या होगा, बी पे हो जाएगा ओमेगा आर विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एस, ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, बी पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, बी पॉइंट तक एक्सेलरेट करेगा, ठीक। उसके बाद सी पॉइंट की यदि बात करते हैं, इसके बाद यहां तक आने के बाद में सी पॉइंट पे आके ओमेगा आर विल बी इक्वल टू ओमेगा एस, ठीक है, ओमेगा आर विल बी इक्वल टू ओमेगा एस। यहां से रोटर क्या करेगा, सी पे आने के बाद में डिक्सिलरेट करेगा, लेकिन फिर भी डेल्टा जो है वो क्या हो रहा है, डेल्टा तो हमारा बढ़ रहा है, डेल्टा हमारा कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉइंट सी पे ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस है, पी विल बी नाउ ग्रेटर देन पी एम, ठीक, पी विल बी ग्रेटर देन पी एम, एंड अगेन पी ए विल नॉट इक्वल टू जीरो, पी ए विल नॉट इक्वल टू जीरो। हमने देखा पॉइंट ए पे जो है ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस है, स्पीड जो है दोनों के बराबर है, इसलिए आपका पी ए जो है वो जीरो है, लेकिन जैसे आपका क्या होता है बी पॉइंट पे आता है, यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, बी पॉइंट पे आता है तो ओमेगा आर इज ग्रेटर देन ओमेगा एस, ठीक है, और यहाँ पर सी पॉइंट तक आते आते क्या हो जाता है, ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका अप टू डेल्टा टू एंगल आपका बढ़ता जाता है, लेकिन यहां से सी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये डिक्सिलरेट होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर यदि मैं पॉइंट मार्क कर देती हूं, ये पॉइंट, यदि ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, तो इंटीग्रेशन आपका जो हमने देखा था, इक्वल एरिया क्राइटेरिया जब हमने पढ़ा था, कि डेल्टा नॉट से लगा के डेल्टा टू तक पी एम शुड इक्वल टू डेल्टा नॉट टू डेल्टा टू पीई, ये होना चाहिए, ठीक, या फिर इसको मैं एरिया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या दिखा रहा है आपका, एरिया दिखा रहा है, तो एरिया कौन कौन सा दिखा रहा है, इस एरिया की बात करती हूं मैं यदि, तो इस पर्टिकुलर एरिया की यदि मैं बात करती हूं, तो क्या हो जाएगा, एरिया आपका एक्सिलरेटिंग एरिया शुड इक्वल टू डीएक्सिलरेटिंग एरिया, मतलब जहां स्पीड इंक्रीज हो रही है वो एरिया शुड इक्वल टू स्पीड जहां जितनी कम हो रही है उतना एरिया, वो दोनों बराबर होना चाहिए। एरिया यहां देखेंगे, एक्सेलरेटिंग एरिया को देखते हैं, डेल्टा जीरो से हम काउंट करते हैं, डेल्टा जीरो ए डी बी ई एंड डेल्टा टू, इतना एरिया, दिस एरिया शुड इक्वल टू डेल्टा नॉट ए बी सी ई डेल्टा टू, इस एरिया के बराबर होना चाहिए। तो इसमें से यदि हम इसको सेपरेट करते हैं तो बचा हुआ एरिया कौन सा है हमारा, ये वाला एरिया, इसलिए हमने कहा ये एरिया शुड इक्वल टू दिस एरिया। तो यहां देख लेते हैं कौन सा एरिया बोल रहे हैं हम, डेल्टा टू, डेल्टा जीरो एरिया, एरिया डेल्टा जीरो ए डी बी ई डेल्टा टू शुड इक्वल टू एरिया डेल्टा नॉट ए बी सी ई एंड डेल्टा टू, एरिया वन शुड इक्वल टू एरिया टू, ये होना चाहिए। और यहां पर डेल्टा टू मैक्सिमम कितना जा सकता है, डेल्टा टू जो है डेल्टा मैक्स कितना हो सकता है, डेल्टा मैक्स जा सकता है कोई पर्टिकुलर एक डेल्टा, हम डेल्टा वन बोल देते हैं, डेल्टा एक्स बोल देते हैं, या तो यहाँ एरिया वन शुड इक्वल टू एरिया टू, तो ये जो कॉमन एरिया था उसको हमने हटा दिया, दिस एरिया वन, दिस इज एरिया वन, दिस इज एरिया टू, ये दोनों एरियाज जो है वो इक्वल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमने जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग दोनों एरियाज यदि इक्वल होते हैं तो हमारा स्टेबल रहता है।